भाइयों बहनों, मैं आपके लिए एक रेसिपी आम का अचार बनाने की विधि लेकर आया हूं। आप हरे आम के अचार जो कि कच्चे हों, उन्हें अच्छे से साफ करने के बाद में कटर से छोटे छोटे पीस में काट लें। काटने के बाद में उन्हें एकत्र करके एक साफ़ सुथरे कपड़े में जो कि ट्रांसपेरेंट हो उसमें रख दें। रखने के बाद इसमें नमक, हल्दी अच्छे से मिला लें और उन्हें रैप करके कपड़े के साथ में एक जगह हैंग कर दें, जिससे उसमें से एसिडिक वाटर जल्दी से जल्दी निकल जाए। हैंग कम से कम 3 से 4 घंटे करना है। फिर आप मार्केट का मसाला, आम अचार मसाला और होममेड मसाला ले लें और आम का अचार मसाला और होममेड अचार मसाला को एक साफ सुथरे स्टील के अच्छे बर्तन में आम के पीसेस रख करके उसमें मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और मिला दें तथा साथ में सरसों का तेल मिक्स करें, जिससे मसाला आम के पीसेस के साथ में कोट हो जाए। ये आम का अचार जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और विटामिन सी से रिच होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छे से बढ़ाता है और आपके बॉडी में ब्लड के बनने में बहुत ही सहायक होता है। अब आपको कंटेनर में एक्स्ट्रा ऑयल मिक्स करना है जो कि फ्राई किया हो, और ठंडा करने के बाद में मस्टर्ड ऑयल इसमें मिक्स करेंगे। अब कंटेनर को 1 से 2 सप्ताह के लिए धूप में रख दें, जिससे आम का अचार जल्दी से फर्मेंट हो जाए। अब आम का अचार खाने के लिए रेडी है। थैंक यू वेरी मच।